मुझे, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का अगर रामराज्य, इसको रामराज्य कहते हो तो मैं मानता हूँ कि हम इस रामराज्य के शामिल में नहीं है। उसी को रामराज्य कहते हैं, उसी को हिंदू राज कहते हैं, उसी को अमृतकाल कहते हैं। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनके मकसद एक है। मकसद इनका यह है कि एससी एसटी ओबीसी के हक और अधिकारों को दबाना, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटना सरासर है, हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है, ये हजारों साल से ही हो रहा है। अगर हजारों साल से नहीं होता तो भगवान बुद्ध क्यों आते हैं हमारे देश में? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों आते? भगवान बुद्ध क्यों नहीं क्यों आते? महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों आते? सावित्रीबाई फुले को क्यों आना पड़ता संघर्ष करने के लिए अगर इस तरीके की विचारधारा पहले से नहीं होती तो? मेन उद्देश्य हमारा जो भारत में जो हमारे एस सी एस टी ओ बी सी समाज के लोगों के ऊपर जो अपराध किया जा रहा है, जातिवादी लोग हैं जो हमारे समाज की बहन बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं, उनका जगह जगह रेप, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर हमारे एस सी एस टी ओ बी सी समाज में आक्रोश था। इसलिए आज हम सब लोग जंतर मंतर पर आए, पूरे देश से लोग आए, सभी लोगों का धन्यवाद भी दे रहा हूँ। और इसी प्रकार से अगर देश की जो सरकारें हैं, अगर हमारे एस सी एस टी ओ बी सी सभी समाज के लोगों का अगर हनन करते रहे तो ये दिन दूर नहीं है कि हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। सर, ओबीसी समाज से ही प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बने, आप कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान है तभी तो प्रधानमंत्री। देखिए, आपको मैं कई एक बार फिर पहले भी बताया है, आज फिर बता देता हूँ। खेत में बिजू का देखा है? खेत में बिजू का होता है, वो कुछ बिगाड़ता नहीं किसी का, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारा बिजुका का रूप धारण किए हुए है। हमारे एस सी एस टी ओ बी सी के अधिकार लगातार मारे जा रहे हैं और ये लोग अपने मूक दर्शक बनकर एस सी एस टी ओ बी सी समाज के अधिकारों को लगातार मरते हुए देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं होगा कि हमारा कहने के लिए ओ बी सी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 2001 के बाद इसको ओ बी सी में लाया गया है प्रधानमंत्री जी को। इससे पहले वो सामान्य में थे, तो सामान्य वाला व्यक्ति किसी प्रकार से हम लोगों के अधिकार को नहीं मिलने देगा, इसका हम पूरी तरीके से विरोध करें। बनावटी बता रहे हैं, बनावटी है, लाए गए 100% बनावटी है, बिल्कुल बनावटी। ओबीसी समाज इतने बड़ी संख्या में बीजेपी को सपोर्ट क्यों करता है, बीजेपी को वोट क्यों करता है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य आज मैं यहाँ पे क्यों आए। अगर हमारा समाज इस तरीके से भ्रमित नहीं होता तो आज मुझे जंतर मंतर पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि हमारे लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया है, कहीं धर्म के नाम पे गुमराह किया है, कहीं किसी पैसे देखे जो साम दाम दंड भेद की राजनीति है, ये लोग हम लोगों के ऊपर पूरा यूज करते हैं। हम लोग तो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इसलिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रहे हैं और मानवर कांशीराम साहब के जो पैटर्न पर हम लोग चलने का शुरू किया है। घर घर जा करके हम अपने लोगों को जगाएंगे, घर घर जा करके हम अपने लोगों को संगठित करेंगे और आने वाले समय में हम इनको जवाब देंगे। 24 में किसको विकल्प देखते हैं? देखिए, 24 हो चाहे 28 हो चाहे 30 हो चाहे 50 हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, विचार जिंदा रहते हैं। मानवर कांशीराम साहब से लेकर 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने विचार जो हम लोगों को दिए थे आज, लेकिन गुमराह होकर कोई एक व्यक्ति तो होंगे ना, कोई एक नेता तो होंगे जिनको सपोर्ट करेंगे आप? जनता करेगी, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी? देखिए 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 सुनो, मैं आपको बताता हूँ, ये जनता जिसको चुनेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय, हमारी ओबीसी महासभा है, इसके नेतृत्व में हम लोग लगातार मेहनत करेंगे। आने वाले टाइम में विकल्प कोई भी हो सकता है, अभी हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। लगातार हमारा प्रयास है, जनता को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते हैं आपकी नजर में? हम किसी का नाम अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे लीडर हैं। अगर ओबीसी जातिगत जनगणना कराना इसलिए जरूरी है कि एक जाति का पूरे देश में पूरी तरीके से जो कब्जा है, जबकि उनकी जो जनसंख्या है मात्र 3.5% है। बहुत सारे लोग, हमारे ओबीसी समाज की जो जनसंख्या है वो 65% है, लेकिन 65% आबादी को क्या हक मिला है? न्यायालय में मिला क्या? मीडिया में मिला क्या? या किसी विभाग में देख लीजिए आप, आज न्यायपालिका, विधायिका, किसी में भी देख लिए, किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई भी रिजर्वेशन या कोई भी अधिकार नहीं मिला है। आज हम लगातार प्रयास करेंगे, भविष्य में भी हम इस तरीके से करेंगे। जाति को लेकर जो हत्याकांड है, इस पर रोक कैसे लगी? देखिए, मानवर कांशीराम साहब ने ये बात कहा था कि जब तक शासन हमारा नहीं आएगा, अपराधी अपना अपराध नहीं छोड़ेगा। अपराध छोड़ने के लिए हमें उसको पूर्ण तरीके से सत्ता पे काबिज होना होगा, सत्ता की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी होगी, तभी जाकर के हम उनको दंडित कर सकते हैं। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अमृत, अरे किस बात का अमृतकाल चल रहा है? यहाँ तो मुझे लगता है तो मृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ चल रहा है? ये तो मृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ चल रहा है? अमृतकाल चलता होता जो हमारे जो 8 साल का 10 साल की जो बहन बेटियां हमारे, उनका मान सम्मान अमृतकाल में होता है। अगर ऐसा अमृतकाल है तो भाई मैं ऐसा अमृतकाल नहीं चाहता हूँ। झंडा लगाना क्या होता है? झंडा आज देखो रोड पे पड़ा हुआ है, अपमान हो रहा है झंडे का।
यही लोग करा रहे हैं। इस पे इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जिन लोगों ने कहा है कि झंडा घर घर लगेगा, मैं कहता हूँ झंडा घर घर लगाते हो तो संविधान घर घर क्यों नहीं पहुँचाते हो? संविधान को घर घर पहुँचाइए ना। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त निकल गया, 26 जनवरी आया, जो 26 जनवरी 1950 को जो देश में संविधान लागू हुआ था वो संविधान घर घर पहुँचाने की बात करो ना, मैं तैयार हूँ। क्यों नहीं करते? संविधान को दबाना चाहते हो झंडे के नाम पर, गुमराह करके जनता एस सी एस टी ओबीसी के लोगों को। आप लोग कब तक गुमराह करेंगे? चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी और वो चोर बुरी तरह से मार खाएगा हमारे लोगों के हाथों से। अमृतकाल के बाद राम राज्य आएगा, राम राज्य में हम प्रवेश करें। आप किस बात की कर रहे हैं राम राज्य? मुझे, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का अगर राम राज्य, इसको राम राज्य कहते हो तो मैं मानता हूँ कि हम इस राम राज्य के शामिल में नहीं है। क्योंकि देखिए, आप एक ही बात कह रहे हैं, उसी को राम राज्य कहते हैं, उसी को हिंदू राज्य कहते हैं, उसी को अमृतकाल कहते हैं। ये नाम अलग अलग हैं लेकिन इनके मकसद एक ही है। ये ओबीसी समाज हिंदू राष्ट्र के साथी नहीं है। मकसद क्या है? मकसद क्या है जो आप बताया कि मकसद एक ही है? मकसद इनका यह है कि एससी एसटी ओबीसी के हक और अधिकारों को दबाना, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटना, सरासर है, हो रहा है। ऐसे थोड़ी हो रहा है, ये हजारों साल से ही हो रहा है। अगर हजारों साल से नहीं होता तो भगवान बुद्ध क्यों आते हैं हमारे देश में? महात्मा कवि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों आते? भगवान बुद्ध क्यों नहीं क्यों आते? महात्मा ज्योतिबा फुले क्यों आते? सावित्रीबाई फुले को क्यों आना पड़ता संघर्ष करने के लिए? अगर इस तरीके की विचारधारा पहले से नहीं होती तो समाज राम राज्य के पक्ष में है? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कोई राम राज्य, ऐसा कोई राज्य नहीं चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर सभी लोगों ने एक ही बात कही है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मानवता का ही राज्य आएगा, संविधान का राज्य आएगा। संविधान के आधार पर हम लोगों को दंडित जो भी होगा, जो भी कानून चलेगा वो संविधान के द्वारा चलेगा और किसी का राज्य आने वाला नहीं। घर घर मोदी के नारे ओबीसी समाज दल समझ के रहा था, नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। तो लगा जिसने, जो लोगों ने, जो ईवीएम का भी, ईवीएम की बात क्यों नहीं होती है? ईवीएम भी तो है, ये लोग क्यों हम लोगों से डरते नहीं है? ये लोग हम लोगों से क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि इनको पता है हमें आपके वोट की आवश्यकता नहीं है। जिसका बटन दबाएंगे दबेगा किसी और का। तो कहीं ना कहीं ऐसी ईवीएम में भी प्रॉब्लम है। तो जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहाँ पर ईवीएम होती है। देखिए, इनका मास्टरमाइंड है और इस मास्टरमाइंड को समझने के लिए हम लोगों का भी बहुत आगे जाना होगा। हमारी जो विचारधारा है, ओबीसी महासभा की विचारधारा है, वो उसी पैटर्न पे चल रही है। इनको हम खोखला करके दिखाएंगे। बिल्कुल बनाया जा रहा है इनका। पहले ये साम दाम दंड भेद आपसे मैंने पहले ही बोल दिया। इनकी राजनीति है, जो आदमी पैसे से खरीदा जा सकता है पैसे से खरीद लो, जिसको डराया जाता है उसको डरा दीजिए, जिसको और भी कोई रास्ता है उसे फर्जी मुकदमा करिए। तो यही तो है हम लोगों को डराने के हथियार, ये आज चालू है। तो हमारे लोग बिकते क्यों है फिर? देखिए, ऐसा है ना, जो बिकने वाली चीज होती है बिक जाती है। क्या सब थोड़ी बिक जाते हैं? आज ओबीसी महासभा को खरीद कर दिखाए, कोई किसी की माई के लाल में ताकत है जो ओबीसी महासभा के एक कार्यकर्ता को खरीद कर दिखा दे? जो दलाल होते हैं वो बिकते हैं। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओबीसी महासभा के विचारों के साथ रहेगा, एससी एसटी समाज के विचारधारा के साथ रहेगा, सभी साथियों को हमारा पूरा समर्थन है। कहीं भी किसी भी प्रकार से हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज की बहन बेटियों के साथ कहीं अन्याय होगा, हमारे ओबीसी महासभा, एससी संगठन, सभी लोग हम एक साथ करके अभी 4 तारीख का जो हमारा सागर में जो आंदोलन है, हम लोग वहाँ जाएंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ईवीएम हटाने के लिए कोई प्रक्रिया है? ईवीएम हटाने के लिए प्रक्रिया, आंदोलन के पास क्या है? सत्ता है नहीं, आंदोलन करेंगे। आंदोलन से बढ़कर ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।